नेपाली क्रिकेट टीम का कनेक्शन बन चुका है राजस्थान रॉयल आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ। बताया जाए तो बहुत सारा खबर हम लेके आए, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मोंटी देसाई सर, थैंक यू राजस्थान रॉयल। जिस तरह से नेपाली क्रिकेट टीम अभी ग्रोइंग कंडीशन में चल रहे हैं, उसमें और सुधार करने के लिए मोंटी देसाई सर ने सीधा बात की राजस्थान रॉयल से, और राजस्थान रॉयल के ओनर ने बता दिया नेपाल क्रिकेट टीम अब जाएंगे 10 दिनों के लिए प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस करेंगे राजस्थान रॉयल के कैंप में। बताया तो बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, इससे नेपाली क्रिकेट टीम का क्रिकेट और बूस्ट हो जाएगा, और ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले ये प्रैक्टिस मैच बहुत काम आने वाला है नेपाली क्रिकेट टीम को। लेकिन ये सारा संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ मोंटी देसाई सर के नेपाल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के बाद। तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। साथ में बताया तो नेपाली क्रिकेट टीम उसके बाद 3 देश के साथ सीरीज भी खेलने वाला है ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले। तो ये सब नेपाल क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये 10 दिन नेपाल क्रिकेट टीम राजस्थान रॉयल के एकेडमी में बिताने वाला है, वहाँ पे बहुत सारा प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट होगा, और नेपाली क्रिकेट टीम और कुछ ज़्यादा सीख के आएंगे और कुछ अलग पिच पे खेल के आएंगे। तो नेपाल क्रिकेट टीम का पिच तो जाना पहचाना है, लेकिन अलग पिच पे खेल के आएंगे, अलग कंडीशन को जान के आएंगे, तो आगे आने वाले मैच में बहुत आसानी होगा। और थैंक यू वंस अगेन राजस्थान रॉयल, जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, और मोंटी देसाई सर जिन्होंने तो राजस्थान रॉयल में कोचिंग स्टाफ का साथ भी दे चुका है। वही बताया तो नेपाली क्रिकेट टीम अब वहाँ पे प्रैक्टिस करके नेपाल आएंगे, और नेपाली क्रिकेट टीम में जो अच्छा करेंगे वो राजस्थान रॉयल में भी जा सकते हैं। इसी थ्रू से कनेक्शन बनता है, और नेपाल क्रिकेट टीम का कनेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, और नेपाली क्रिकेट टीम का कनेक्शन बनाने में और नेपाली क्रिकेट टीम को नीचे से लेके ऊपर लाने में मोंटी देसाई सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मोंटी देसाई सर एंड राजस्थान रॉयल। तो आगे का खबर के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। जय नेपाल, जय नेपाल क्रिकेट टीम, लव यू ऑल।